नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। चंद्रयान 3 ने आज चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। ऐसे में लैंडर विक्रम ने चांद पर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया है। विक्रम ने लैंड होते वक्त की तस्वीरें भेजी हैं। बता दें कि लैंडर और मॉक्स स्ट्रेट बेंगलुरु के बीच संचार लिंक स्थापित कर लिया गया है। यह तस्वीरें लैंडर हॉरिजॉन्ट वेलोसिटी कैमरे से ली गई हैं। गुजरात के भरूच जिले में बुधवार को एक फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो गई। जहरीली गैस लीक होने के बाद 28 श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने यह जानकारी दी है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे जब गैस रिसाव की सूचना मिली तो फैक्ट्री में लगभग 2000 कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस अधिकारी ने कहा सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रूस में वैगनर ग्रुप के चीफ प्रेगोजीन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। उन्होंने कुछ अरसे पहले राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत की थी। रूसी एजेंसियों के अनुसार विमान दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हुई है, जिनमें वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रेगोजीन भी शामिल हैं। मौसम विभाग की ओर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इलाकों में आज यानी 24 अगस्त को भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बिहार, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। भारतीय टीम का आयरलैंड दौरा पूरा हो गया है। टीम ने आयरिश टीम की उसी के घर पर 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से करारी हार दी है। हालांकि तीसरा मैच भारतीय टीम का आयरलैंड दौरा पूरा हो गया है। अब एशिया कप 2023 का आगाज 30 अगस्त को होगा, जहां भारतीय टीम अपना पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी मजबूती प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। उत्तर कोरिया ने गुरुवार तड़के लंबी दूरी के रॉकेट को लॉन्च किया। साउथ कोरिया ने यह जानकारी दी। वहीं जापान ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने गुरुवार तड़के संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इससे पहले उत्तर कोरिया ने उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की थी, जिसमें वे असफल हुए थे। इसके बाद उसने बहुत जल्द उपग्रह ले जाने वाले रॉकेट को फिर से लॉन्च करने की बात कही थी। अब उसने यह नया रॉकेट लॉन्च किया है। पाकिस्तान के एक फैशन डिजाइनर इन दिनों चर्चा में है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख आसिफ नवाज जंजुआ की पोती खादिजा शाह हैं। लाहौर पुलिस ने बयान में कहा है कि पूर्व वित्त मंत्री सलमान शाह की बेटी खादिजा शाह जिन्ना हाउस पर 9 मई को हुए हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। उन्हें आतंकवाद के आरोप के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन पर सेना अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। नवी मुंबई के नेहरूल इलाके में बुधवार को एक आवासीय इमारत का स्लैब हिस्सा ढह गया था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और अन्य 2 घायल हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सेक्टर 6 स्थित 3 मंजिला इमारत में रात करीब 9:15 पर हुई। इसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मी राहत बचाव के लिए घटना स्थल पर पहुंचे हैं और साथ ही घायल लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। सुबह की मुख्य खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।